हेलो फ्रेंड्स, मैं हस्मिता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम आए हैं प्रथमेश रिसोर्ट। एवरीवन इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड। सो फ्रेंड्स, ये है रिसोर्ट की एंट्रांस। यही पे है पार्किंग एरिया और इसी के लेफ्ट साइड में है एडवेंचर एक्टिविटीज़, मतलब वॉल क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइनिंग, आर्चरी, ये सब लेफ्ट साइड में ही है एंट्रांस के। रिसोर्ट लोकेटेड है इन खेड़ शिवापुर और पुणे से ये 26 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए। अब हमने अपनी बुकिंग कंफर्म कर ली है और उसके बाद वो सब हमें एक टैग देते हैं जो हमें अपने हाथ में बांधना पड़ता है। सो हम रेडी है एक्टिविटीज़ करने के लिए। सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और कुछ लोग फर्स्ट टाइम कर रहे तो थोड़ा डर भी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से एक बज गए। अभी एक बजने तक हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर ली, क्लाइंबिंग वगैरह कर लिया, रोप एक्टिविटीज़ कर ली है और अब हम करने जा रहे हैं लंच। और लंच का टाइम है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। सो अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो लंच, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्लेस इतना फ्रेंडली है ना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो कि कुछ एक्टिविटीज़ करने, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड प्लेस है। और अगर आप एडवेंचरियस है, मतलब आपको एडवेंचर्स पसंद है, कुछ मतलब नहीं का गेम वगैरह खेलना, तो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इस तरह से था हमारा लंच मेनू। और लंच का जो टेस्ट, मतलब फूड का जो टेस्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फैमिली आउटिंग करनी है तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो या फिर वन डे रिटर्न का भी प्लान कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा फ्लेक्सिबल है आपको, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। स्टेइंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। बंगलोज है, एसी कॉटेजेस है, बाम्बू हाउस है, टेंट है और वन डे स्टे के पैकेज है 1999। उसमें मील इंक्लूड है, स्टे है, एमिनिटीज़ है और एक्टिविटीज़ भी है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बट बहुत सारी मतलब ग्रीनरी है, इसलिए ज़्यादा धूप नहीं लग रही है। ग्रीनरी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ों का तो खेल के हो गया था, अब था बच्चों का टाइम। सो बच्चों की एक्टिविटीज़ करने के लिए ये स्पेशल चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। यहाँ पे हमने बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। उसमें था स्लाइड्स, स्विंग्स, स्पाइडर नेट, बेबी स्विमिंग पूल था, रोप एक्टिविटीज़ भी थी और ऑब्स्टेकल एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे गार्डन एक्टिविटीज़ थी। बहुत मज़ा आया बच्चों को, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आगे के बच्चों को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, उनके लिए भी इंडोर एक्टिविटीज़ है और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी है, स्विमिंग पूल है अच्छे से। जिनको इंडोर एक्टिविटीज़ पसंद है वो यहाँ पे आके इंडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि चेस, टेबल टेनिस, स्नूकर, कैरम, प्लेइंग कार्ड्स और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे एसी बैंकेट हॉल भी है जहाँ पे हम फंक्शंस या सेलिब्रेशंस भी कर सकते हैं, बर्थडे, शादी, एंगेजमेंट, फोटोशूट।
सभी एक्टिविटीज़ तो हो गई थी, अब टाइम था वाटर एक्टिविटीज़ करने का। सो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वाटर एक्टिविटीज़ में हम स्विमिंग पूल इंजॉय कर सकते हैं, रेन डांस भी है और वाटर स्लाइड्स भी कर सकते हैं, और उसके साथ आर्टिफिशियल वाटरफॉल, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो इस तरह से हमने अपने क्लॉथ्स चेंज कर लिए और निकल पड़े वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सब मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, पानी के साथ खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, स्विमिंग भी कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी एक्टिविटीज़ करके हो गई थी, अब टाइम था हाई टी का। इसमें इंक्लूड था आलू पकौड़ा, टी एंड कॉफ़ी और सम बिस्किट्स। अभी जाने का टाइम नज़दीक आ रहा था, उसके पहले हमने थोड़ा स्विंग किया गार्डन में, थोड़ा रेस्ट किया, सब लोग अच्छे से गप्पे मार रहे थे, फ़ोटोज़ निकाले, रील्स निकाले, वीडियोज़ निकाले, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इस तरह से हमारे प्रथम रिसॉर्ट का जो सफ़र है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। और हमने एक्चुअली स्विमिंग पूल में बहुत सारे मज़े किए, रेन डांस भी किया, सब लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड थी। और इस तरह से स्टे का प्लान तो नहीं था, सिर्फ वन डे रिटर्न का था, बहुत मज़ा आया। अगर आप लेडीज़ के साथ आ रहे हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहे हो कहीं जाने के लिए, सो प्रथमेश रिसॉर्ट इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर पिकनिक या फिर आउटिंग, कुछ भी कह सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से कॉटेजेस है, अगर स्टे का प्लान कर रहे हो तो कॉटेजेस भी है। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।